नमस्कार दोस्तों, एक नई बत्ती और एक नई बत्ती की अपडेट लेकर फिर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। आज जो अपने बात करेंगे वो है भारतीय सुरक्षा दस्ता की जो न्यू भर्ती आ रही है उसके बारे में। इसकी पूरी डिटेल वीडियो के बारे में बात करेंगे, इसके जो क्या प्रोसेस रहेगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा उसके बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट क्या रहेगी, आयु क्या रहेगी, इसकी पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे राजस्थान जो सुरक्षा गार्ड की सीधी भर्ती है ये बिना एग्जाम के उसके बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रा ज़रा दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं बलविंदर नेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद भर्ती 2024 के बारे में। ये आपको सबसे पहले बता दूं कि ये सरकारी भर्ती नहीं है, लिमिटेड भर्ती है। जो जो स्टूडेंट इच्छुक हैं वह इसमें फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, कैसे भरेंगे, फॉर्म ऑनलाइन है या ऑफलाइन उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि भर्ती किसी की, राजस्थान सुरक्षा गार्ड सीधी भर्ती, राजस्थान की जो सुरक्षा गार्ड है वो सीधी भर्ती है। इसकी जो आपको जो पोस्टिंग है वहाँ कहाँ दी जाएगी और किस यूज में आपको लिया जाएगा। सुरक्षा गार्ड आपको पता ही है कि जो जैसे किले वगैरह हो गए या पार्क वगैरह हो गए, जो सरकारी जो स्थान होते हैं या सरकारी कोई भी बिल्डिंग होती है उसके जो सुरक्षा गार्ड होते हैं उनकी ये पोस्ट आई हुई है, आपको वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, तो फॉर्म है जो जहाँ ये भर्ती चल रही है वहीं फॉर्म मिलेंगे। आपको कहीं से कोई फॉर्म नहीं भरना, महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं है, कुछ नहीं है दोस्तों इसका कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करो, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, कुछ भी नहीं है इसका। इसमें सीधी आपको जो भर्ती है आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, वहीं जो जहाँ भर्ती चल रही है वहाँ अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट ले आके वहाँ आपको देने हैं, वहीं साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद जो पोस्ट है उस पर आपको दिया जाएगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में भी अपनी बात कर रहे हैं। तो मैं बात करूँगा कि महिला और पुरुष हैं जो दोनों फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भर्ती स्थल पर होगा कि आपको किसी प्रकार का कोई फॉर्म नहीं भरना, ना तो ऑफलाइन ना ऑनलाइन। आप अपने डॉक्यूमेंट ले जाना और जहाँ भर्ती चल रही है वो आपको बताएंगे कहाँ चल रही है ये भर्ती। तो जहाँ भर्ती चल रही है वहाँ ले जाकर आपको ये डॉक्यूमेंट आपको दिखा देने और वहीं आपका जो रजिस्ट्रेशन है हो जाएगा। स्टार्ट 2 अक्टूबर से है, यानी वो भर्ती चल रही है 2 अक्टूबर से, और 7 सितंबर 2024 यानी 4-5 दिन जो भर्ती है इसकी चलेगी, 2 से 7 तारीख तक, 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये भर्ती चलेगी। सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर दो पोस्टों पर भर्ती है, सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर दो पोस्टों पर है। जो तो सुरक्षा गार्ड पहले हैं उनके लिए सुपरवाइजर बनने का मौका है, और जो अभी बेरोजगार हैं महिला या पुरुष जो बेरोजगार हैं वह इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु की बात करूं तो 18 से जो 45 वर्ष के जो स्टूडेंट हैं वह फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो बेरोजगार हैं। 18 से 35 वर्ष योग्यता की बात करूँ तो सुरक्षा गार्ड में 10th और ग्रेजुएट है जो सुपरवाइजर में आपको चाहिए, सुरक्षा गार्ड में 10वीं पास चाहिए और सुपरवाइजर है जो उसने ग्रेजुएट पास के जो स्टूडेंट है वह फॉर्म अप्लाई करेंगे। फीस की अगर मैं बात करूं तो भर्ती स्थल पर ही आपको पता चलेगा 100-200 रुपये जो फीस उनकी जो रहेगी वह आपको उसमें फीस भरनी पड़ेगी। जो सुरक्षा वहाँ पे स्थल है यानी जहाँ पे ये भर्ती चल रही है वहीं आपको जाके डॉक्यूमेंट देने और जो आपका वहाँ पे चार्ज होगा वो आपको उसी टाइम जमा करवाना होगा। फिजिकल की अगर बात करूँ तो अपने बात आगे करेंगे कि क्या क्या फिजिकल होगा। वेतन की बात करूँ तो जो सुरक्षा गार्ड है उसको 15,000 रुपये और सुपरवाइजर है उनको 18,000 रुपये सैलरी उनकी रहेगी। सबसे बड़ा डाउट ये भर्ती कहाँ चल रही है, ये कहाँ चल रही है, कहाँ जाएं डॉक्यूमेंट लेके और कैसे होगी ये भर्ती, उसके बारे में बात करूँ तो ये भर्ती चल रही है अजमेर। अब सबसे बड़ा डाउट कि भर्ती जैसा चल रही है अजमेर में, क्या हम अदर स्टेट्स के जो हैं या अदर राजस्थान के जो अदर स्टूडेंट है वह क्या इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम वहाँ पर जाके भर्ती को देख सकते हैं। बिल्कुल वहाँ जाके आप भर्ती को देख सकते हो, अजमेर में जी भर्ती चल रही है 2 तारीख से, ठीक है। इसके अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए या ऑफिशियल जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल नेहरा स्टडी हब को ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ जाके उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ भी मैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इस वीडियो का लिंक वहाँ डालता रहता हूँ, वहाँ जाके आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। SIS जो सिक्योरिटी होती है उसकी जो भर्ती है, SIS जो सिक्योरिटी है उसकी जो भर्ती है, तो आपको पता ही है इनकी जो SIS सिक्योरिटी है उन पर कहाँ कहाँ इनकी ड्यूटी होती है, बैंकों में होगी तो अदर अदर कई जगहों पर इनकी जो ड्यूटी रहती है। डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो जो भी आपके पास मार्कशीट है वो ले जाएँ, ओरिजिनल। रिज्यूम बनाना चाहिए तो आप रिज्यूम बना के ले सकते हो, रिज्यूम बना के ले जा सकते हो। सबसे पहले मार्कशीट, फोटोकॉपी, आधार कार्ड, मूल जाति का जो प्रमाण पत्र होता है, डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपके पास है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट आप अपने साथ ले जाएँ,
साथ में अगर आप उससे ज़्यादा एक रिज्यूम बना के लेके जाएंगे, ई मित्र से आपका 10-15-20 रुपये में आपका जो रिज्यूम है वो तैयार हो जाएगा, उसको आप बना के ले जा सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले फिजिकल होगा। फिजिकल में बात करें तो आपकी चेस्ट वगैरह जो हाइट है वो मिनी जाएगी और 1600 मीटर की जो दौड़ है वह रहेगी। डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो साथ ही साथ वही आपके वहीं उसी टाइम चेक हो जाएंगे और उसके बाद एक मेरिट बनेगी, मेरिट के बेस पर आपका जो सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन जो हो जाएगा उस पर। ये थी राजस्थान सुरक्षा गार्ड की सीधी भर्ती, बिना परीक्षा की सीधी भर्ती, सीधी मेरिट बेस पर इसकी जो भर्ती है वो होगी। इस भर्ती के बारे में और भी कोई डिटेल वीडियो चाहिए आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस भर्ती की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप चैनल नेहरा स्टडी अप को ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।